प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। तो चलिए डिराइव करते हैं। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम, लेट इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। बिगनिंग में इसकी वेलोसिटी जीरो है। लेट ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट। अब फोर्स अप्लाई किया है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है इफ द बॉडी इज एबल टू मूव, इफ द बॉडी इज फ्री टू मूव। लेट डी एस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of force। अब जब displacement है, force लगा, displacement है, तो कुछ work भी हुआ होगा। चलिए work निकाल लेते हैं। अब क्योंकि displacement small है तो small work done। small work done dw by force F during small displacement d expression is given by work। किसके बराबर होता है? work is the dot product of फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। यहां पर एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, और ये एफ इंटू डी एस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने डिराइव किया था एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, हम स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं। एफ इज इक्वल टू ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और एक्सेलरेशन होता है डीवी ओवर डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डीवी इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम डीटी। इस इक्वेशन में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह लिख दें एम इंटू डी वी ओवर डी टी, और एफ के बाद डी एस। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू डी एस को इधर लिख लेते हैं, डी टी को इसके पीछे और डी टी को ऐसे। डी एस ओवर डी टी, डी एस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डी टी, और ये होती है वेलोसिटी के बराबर। तो डी एस ओवर डी टी को लिख सकते हैं वेलोसिटी वी इंटू डी वी। इसी तरह से अब हम निकालते हैं टोटल वर्क डन इन
of the body from 0 to v. Initial velocity है 0. अब जब हम टोटल निकालते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट dw, दूसरी तरफ भी इंटीग्रेट कर लें, m into dv, m into v into dv, limits from 0 to v. dw का इंटीग्रेशन w, टोटल वर्क डन, यहाँ m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dv. 0 टू 3. आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, एक पावर बढ़ जाती है. तो यहाँ पर v की पावर 1 तो हो जाएगी v की पावर 2 ओवर 2 और इसकी लिमिट्स 0 टू. अब कितना आ जाएगा, W is equal to m into अपर लिमिट लगा दें v square over 2 minus लोअर लिमिट v की जगह 0, तो ये आ गया W is equal to 1 by 2 m v square. This work is stored in the body in the form of kinetic energy. So kinetic energy of the body of mass m moving with velocity v is given by kinetic energy equal to half m into v square. चलिए अब डिराइव करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन ऑन ए बॉडी is equal to change in its change in the kinetic energy of the body. हम एग्जैक्टली उसी तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे कि हमने एक्सप्रेशन निकाला है काइनेटिक एनर्जी के लिए. कैसे शुरू हुए थे, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम, लेट ए फोर्स एफ इज अप्लाइड on the body. Let ds is small displacement of the body in the direction of force. Small work done निकाल लेते हैं. Small work done in moving the body. Small work done by force F. During small displacement
During small displacement, ds is given by dw equal to f vector dot ds vector exactly उसी तरीके से equal to f into ds into cos theta. Theta is the angle between force and displacement. dw is equal to f into ds. Our theta here is equal to 0 because the force and displacement are in same direction into cos 0. तो ये आ जाएगा f into ds. According to Newton's second law of motion, F is equal to m into a in scalar form. F is equal to m into dv over dt. Acceleration, a is acceleration, and acceleration is equal to rate of change of velocity. Dv is small change in velocity in small time dt. अब इस एक्सप्रेशन में हम F को लिख लेते हैं. dW is equal to F की जगह क्या लिखेंगे, m into dV over dt into ds. उसी तरह से dW is equal to m into ds को इधर लिख लेते हैं. हम एग्जैक्टली उसी तरह से चल रहे हैं जैसे कि एक्सप्रेशन डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी के लिए. ds over dt क्या है, v. ds is small displacement in small time dt. यहां पर dw. और अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन इन increasing the velocity कहां से कहां तक, यहां चेंज आएगा in increasing the velocity from u to v where u is the initial velocity of the body and v is final velocity of the body. तो dw इंटीग्रेट कर लें, m इंटू v dv इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v. यहाँ चेंज है, w इज इक्वल टू m, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v, और इंटीग्रेशन ऑफ v क्या होता है, v स्क्वेयर ओवर W is equal to m into v square over 2, limits from u to v. W is equal to m into upper limit लगा दें v square over 2 minus lower limit लगा दें v की जगह u square over 2. तो ये हमारे पास आ जाएगा W is equal to half m v square minus half m u square. That is work done on a body is equal to increase in its kinetic energy. This is kinetic energy, final kinetic energy, and this is initial kinetic energy. अगर work positive है तब जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी में, दैट चेंज विल बी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर वर्क नेगेटिव है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, लीनियर मोमेंटम को हम पी लिखते हैं.
काइनेटिक एनर्जी हमने डिराइव किया इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। इस स्टेप में हम क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम। एम से जब मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को तो ये एम स्क्वायर हो गया और ये वी स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और एम से डिवाइड कर दिया। एम वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर ओवर एम। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करिए सॉल्व, जितनी भी आपकी बुक में दी हुई हैं, और इसको टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए। थैंक यू।